नमस्कार दोस्तों, आज हम कॉलीफ्लावर की सब्जी बनाएंगे। इसलिए मैंने कॉलीफ्लावर एक पीस कट करके रखा है। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट है, दो टमाटर हैं, थोड़ा सा हरा धनिया है, पांच सात हरा मिर्ची है, बारीक कट करके रखा है। सबसे पहले कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में बड़ा वाला चम्मच से एक चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल को अच्छा गर्म होने देना। ऑयल गर्म होने के बाद आधा चम्मच राई डाल देंगे, आधा चम्मच जीरा। जीरा चटकने के बाद हरा मिर्ची डाल देंगे। अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसको अच्छा मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा भून लेना। थोड़ी देर भूनने के बाद अब हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर को भी अच्छा मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर इसको ऐसे ही पकाना। थोड़ी देर भूनने के बाद अब हम इसके अंदर सूखा मसाला ऐड कर देंगे। एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, एक छोटा ही चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच नमक। नमक अपने स्वाद अनुसार डाल लेना है। इसको अच्छा मिक्स कर लेना मसाले को। एक कटोरी पानी ऐड कर देंगे। गैस को मीडियम करना है। दो तीन मिनट ऐसे पकाना। देखिए दोस्तों, दो मिनट पकाने के बाद अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छा मिक्स कर लेना है। एक मिनट और पकाना है मीडियम गैस पर। देखिए दोस्तों, एक मिनट के बाद अब हमारी सब्जी पक के तैयार है। अब हम इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छा मिक्स कर लेंगे। गैस बंद कर देंगे। एक बार आप भी ज़रूर बनाना दोस्तों, बहुत अच्छी बनती है ऐसा सब्जी, बहुत स्वादिष्ट बनती है। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।